देश में अब ई कचरे के निस्तारण की समस्या आम कचरे की तरह ही गंभीर होती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में ई कचरा प्रसंस्करण की दर 3 वर्षों में दोगुने से अधिक यानी कि 9.7% से बढ़कर 22% हो गई है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ई कचरा उत्पन्न होता है। इसे प्रोसेस करने के लिए देश में कुल 472 केंद्र है, इनमें से ज्यादातर 116 महाराष्ट्र में है। केंद्रीय पर्यावरण विभाग के विवरण के अनुसार वर्ष 2017 से 18 के दौरान देश में कुल 7,08,445 टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। उसमें से 69,413 टन या 9.7% कचरे को संसाधित किया गया। 2018 से 2019 में 7,11,215 टन में से 1,64,663 टन संसाधित किया गया और 2019 से 20 में 1,14,961 टन में से 222,436 टन यानी 22% अपशिष्ट संसाधित किया गया था। 2022 तक अपशिष्ट उत्पादन बढ़कर 14,26,000 टन हो गया। हालांकि कितना कचरा संसाधित किया गया था इसका विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र में 1,06,280 टन क्षमता वाले 116 प्रसंस्करण केंद्र है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.